और अब बात करेंगे गरियाबंद की। गरियाबंद में महिला पर फर्जी मार्कशीट के जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी लेने का आरोप लगाना युवक पर भारी पड़ गया। युवक का आरोप है कि उसकी ओर से शिकायत करने से नाराज आरोपी महिला ने उसके खिलाफ गाली गलौज करने के आरोप में झूठी FIR दर्ज करा दी। पीड़ित युवक ने डिप्टी CM अरुण साव को मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। जो फर्जीवाड़ा किया है तारिणी बघेल, जो 81% को 85 किया उसकी नियुक्ति की गई है। मैंने RTI लगाया, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास 1 तारीख को लगा, तो 3 तारीख को मेरे को घर जाकर थाना में शिकायत दर्ज की, झूठी शिकायत दर्ज की है मेरे खिलाफ। मैं चाहता हूँ, मैं विराम कुमार यादव, द्वारकाधीश यादव और गजेंद्र यादव तीनों को ये आवेदन दूंगा और तीनों को कहूँगा विधानसभा में इसको लगाइए और सही का सही और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और अगर विधानसभा में आप लोग नहीं लगाओगे तो आप लोगों के खिलाफ भी अपन करेंगे। के द्वारा प्राप्त हुआ है कि वहाँ लाटापारा में कुछ अंकों की गड़बड़ी हुई है और वहाँ नियुक्ति भी हो गई है। यदि ऐसी कोई भी शिकायत हमें लिखित में प्राप्त होती है तो मैं इसकी जाँच कराऊंगा और यदि शिकायत सही पाया जाता है तो जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करूंगा।